एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह नहा धो के मैं जा रही हूँ सुनार की दुकान पर। 10:30 या 11:15 के समथिंग हो रहा है। सुनार की दुकान 10:30 बजे खुल जाती है। मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी, उसके बाद निकल गए हम सुनार की दुकान पे। सुबह के टाइम ना भीड़ भाड़ भी नहीं होती है ज़्यादा, तो मैं और भैया, मैं भावना को भी साथ लेके आ गई हूँ। तो बस अभी हम लेने आए हैं कुछ गोल्ड। एक्चुअली मुझे दिवाली और करवा चौथ का गिफ्ट, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मुझे कुछ लेना है, लेकिन मैं अपनी पसंद का ही लूँगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सोने चांदी में कि आजकल आपको पता है कितना महंगा है। और मैं मतलब सरप्राइज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ही पसंद किया है और मैं ही लेने के लिए आई हूँ। तो मैंने सोचा कि आ रहे थे कि चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि जेंट्स इतना जानते नहीं है, थोड़ा बहुत भी डिज़ाइन चेंज हो जाता है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं लेने के लिए आई हूँ अपना करवा चौथ और दिवाली का जो गिफ्ट है मेरा। वो पतिदेव चले गए हैं गांव, तो कल ही चले गए थे वो, क्योंकि वो गए थे एक बर्थडे पार्टी में। तो वहाँ से आज आएंगे और आज हम निकल जाएंगे ग्वालियर के लिए। तो झटपट से हम लेके चलते हैं। और ये गोल्ड रानी हार कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। एक तो आजकल समझ में नहीं आ रहा गोल्ड और आर्टिफिशियल। मैंने जब इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गोल्ड का है क्या, तो हाँ ये गोल्ड का है। बहुत सारे लोग वेट भी पूछ रहे थे, तो ये 60 ग्राम का है, यानी कि 6 तोले का है ये वाला रानी हार। तो मैंने अपना दिवाली और करवा चौथ का क्या गिफ्ट लिया है वो अभी सरप्राइज है आप लोगों के लिए। मैं दिखा दूंगी आप लोगों को कि मैंने क्या लिया हुआ है। मेरी पसंद का है, मैं पिछली बार आई थी तब बनवाने के लिए डाल गई थी, तो अब मैं उठाने के लिए आई हूँ। बहुत टाइम हो गया था, एक बार चेंज होके आया ना, उन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिया, उसके बाद अगेन मैंने फिर से डाला। अब की बार भी डिज़ाइन चेंज किया है, बट इतना भी चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा। उसके बाद ये गाँव की ये क्लिप है, ये खेतों पर गए थे तो बना के लेके आए हुए हमारे खेतों पर। ये हो रहा है ना तार पट्टी, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो तार पट्टी बोलते हैं, मुझे नहीं पता फेंसिंग बोलते हैं क्या, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो ये गए होंगे तो ये क्लिप शूट करके लाए थे। और देख सकते हो गांव का नज़ारा, शुद्ध हवा कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। शहरों में इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अब हम लोग ग्वालियर रह रहे हैं तो इतना भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं है। गुड़गांव में तो एकदम सर्दियों में धुंध, एकदम अंधेरा, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद हो जाते थे। सरसों खड़ी है एक, आप लोग देख सकते हैं एकदम पीली पीली पीले पीले खेत हो रखे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। और वहाँ से आने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था मार्केट से उसके बाद, क्योंकि लड्डू की तबीयत ख़राब है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसने उल्टियाँ वगैरह कर दी थी, तो मैं उसको लेके बैठी हुई थी। थोड़ा टेंशन हो जाता है जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस पर इतना है कि यहाँ पर मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। मम्मी भी कल गाँव गई थी तो वो भी आ गई हैं, भाभी खाना पीना बना देती हैं। मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि मैं 2 दिन से बिल्कुल सो नहीं पाई हूँ। लड्डू को आ रहा है फीवर, लड्डू ने कर दी उल्टियाँ, सारी रात लड्डू ने सोने नहीं दिया, लड्डू के गाल हो रहे रेड रेड। हेलो बोलो लड्डू, हाय। लड्डू को मैंने नहला दिया था और मैं चली गई थी मार्केट। मार्केट से आके मैंने चुन्नी चेंज कर ली, स्वेटर पहन लिया और अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, मतलब आधे 2 घंटे बाद। अभी भाभी बना रही हैं चाय, मैंने खाना पीना कर लिया। ये भी आ गए हैं गाँव से, मतलब मेरी ससुराल से, तो ससुर भी, मेरे ससुर जी भी, पापा जी, तो वो भी लड़के से मिल के वापस चले गए। हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो लड्डू बच्चा। नोच कहाँ लड्डू की नोच, ये आयच कहाँ है, आयच आयच कहाँ है, वाह गुड बॉय। सॉरी बोलो बेबी सबको, सॉरी अल बच्चा, किच्ची कर दो, चलो किच्ची करो सबको, राधे राधे करो, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम कर लो, राम 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 राम, अल्ले राम राम कर ली बोले बच्चे ने, अल बच्चे मम्मा की नजर लग गई गुंजी बच्ची को ना, सो जा। सारी रात नहीं सोया 1 मिनट के लिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जय जय कर लो, जय जय करो, जय 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 कर लो, जय 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 कर लो, जय जय कर लो, पैर छू लो, पैर छू लो, पैर छू लो, जय जय। तो फाइनली अब जाने का समय आ गया है और ये कर रहे हैं गाड़ी साफ। ये गांव से आ गए थे और इनको अपनी गाड़ी से इतना प्यार है ना, थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी हो जाती है ना तुरंत साफ़ करते हैं। मैंने इनसे बोला ग्वालियर जाके कर लेना, तो बोले कि नहीं रास्ते में अच्छी नहीं लगती है।
तो अब की बार चलो बाल्टी सी कर रहे हैं, पहले तो पाइप लगा के करते थे। तो अभी यहाँ पे लड्डू बैठा हुआ है, दीदी का बेटा पकड़ा हुआ है और लड्डू की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो हम लोग सोच रहे हैं सर्दियों में ना जल्दी अंधेरा हो जाता है तो टाइम से घर पहुँच जाए। और सुबह से मैंने अपना फेस ना मिरर में भी नहीं देखा, 9:30 बजे की मैं नहाई हुई हूँ, जूड़ा बना लिया है, मुझे जूड़े में ही कम्फर्टेबल फील होता है। और आजकल देखो मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ, बीच में पतली हो गई थी, बट अभी सर्दियों में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपनी केयर कर पाऊँ खाने पीने। वैसे मैं कुछ भी खाती हूँ पीती हूँ पड़ी रहती हूँ। और लड्डू की भी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मेरी भी तबीयत ख़राब है। मतलब अब तो ठीक हूँ मैं, फीवर वगैरह कहीं कुछ और टेस्ट वगैरह जो मैंने करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स भी आनी है, तो अभी फाइनल पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं है। और यहाँ पे मम्मी वगैरह ने सारा सामान रख दिया, उधर से आते एकदम गाड़ी खाली और इधर से भर भर के कहीं ये ले जाओ वो ले जाओ। माँ यार कितना करती है ना बच्चों के लिए, तो दूध छाछ सब्जी ये वो पता नहीं क्या क्या रखती हैं। रुद्र भैया शाबाश, खुश रहो बालक, खुश रहो। ऐतिहासिक क्षण। ओ अब संग में कोई होता तो नहीं। मेरे तो चाहिए नहीं, तो चाहिए बाबा ना चाहिए बाबा के चीना पानी भाई काऊ कहाँ है काऊ कहाँ है काऊ कहाँ है उतार दे। हम आ गए हैं कटिबुरी हनुमान जी के मंदिर। भगवान जी मेरे हनुमान जी, एक दिन यार आएंगे ना टाइम निकाल के तो अंदर से भी दर्शन करेंगे, सामने से वहां से अमरूद लेने हैं। ओके पतिदेव जी, थैंक यू सो मच जी। ये देखो इसकी तबीयत कहाँ चली गई, अब इसको फीवर कहाँ चला गया। तो तुम्हारा सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी सुबह से, मतलब जो खा रहा है उल्टी कर रहा है, जो खा रहा है। देखो डॉगी 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 सामने डॉगी 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 ये गया, देखो ये डॉगी। चलो 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 अच्छे नहीं, दो ले लो रस्ते में खाने के लिए, दो चार। हे एवरीवन, तो मेरी हालत देख सकते हो, सुबह नहा के रेडी हुई फिर मैं गई थी सुनार की दुकान पर, तब से मैंने अपने फेस भी नहीं देखा और आ गई मैं। देखो क्या पापा गाड़ी चलाने दो पापा को, और अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर, कल आए थे एक दिन में ही वापस। अब तो मोहल्ले वाले क्या बोल रही हूँ आंटी, कल बोले क्या बेटा आ गई मैंने कि सामान तो तुम इतना लाती हो बेटा कि जैसे पता नहीं कितने दिन रह के जाओगी और दूसरे दिन ही चली जाती हूँ। मैंने कहा आंटी क्या करूँ लड़के का स्कूल है। नहीं तुमने मन में तो बोला होगा आंटी क्या करूँ मुझे मिल गया ढोने वाला तो मैं ढोवा। अच्छा मेरी वजह से नहीं आए तुम, अपने काम से आए थे ठीक है, तो तुम को पर मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, ये अपने काम से आए थे बट मेरा सच में बहुत बड़ा काम हो गया। का बड़ा काम हो गया तो बताओ मेरा, तुम्हारा जाना भी तो बहुत जरूरी था ना वहाँ पे। वो बात ठीक है, कैसा रहा फंक्शन? बहुत शानदार था, रात में ही आ गए थे लौट के वापस गाँव। दिखा देना उनको फंक्शन, ये वीडियो बना के तो लाए हैं, क्लिप में ऐड करूंगी नहीं करूंगी मुझे याद नहीं है, देख लूंगी। क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसके फोन से बनी है वो? मेरे फोन से बनी। नहीं तुम्हारे फोन की बहुत अच्छी क्वालिटी, शायद कैमरा गंदा वो, था। अरे वो व्हाट्सएप पे भेजे ना तो थोड़ा। अच्छा अच्छा चलो चलते, इन्होंने भी अटेंड कर लिया फंक्शन, अब जाएंगे और जाके मुझे लगाना दीदी को फोन, अभी रस्ते में लगा देती हूँ। सुबह फोन आया था मुझे लग रहा उनका ही आया था, मैंने उठा नहीं पाया। आज रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई दो रात से, क्योंकि आज रात में इसने यहाँ नहीं सोने दिया, उससे पहले इसने वहाँ नहीं सोने दिया। याद आया मुझे इतनी भयंकर सिर में दर्द और नींद आ रही थी। कब? आज रात में। पर मुझे घबराहट इतनी नहीं हुई, एक घंटा तो मैं क्यों डरा, मुझे पता ही नहीं लगा मैं सो रहा हूँ तो जग रहा हूँ। फोन आ रहा है, तो हम जा रहे हैं ग्वालियर, तो अभी हमारे लगने वाला है टोल। मुरैना होके आए हैं अब की बार हम, तो टोल लगेगा कितना? 75 शायद, क्योंकि हमारी गाड़ी ना हरियाणा की है, हमने वहां से गुड़गांव से खरीदी थी ना, इसलिए है ना।
गलती कर दी, यहीं से लेनी तो क्या चाहिए। हो गया, एक टोल के चक्कर में गलती हो गई तुमसे, हर बार तो देने पड़ेंगे। चलो दोस्तों, लड्डू हमारा शो गया है। तो हम लोग सोच रहे थे कि 75 रुपए लगेंगे, लेकिन यहाँ तो 95 रुपए लग गए। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया फालतू के। और सच बताऊँ, कितना भी टेंशन हो, ये जरा सिर पे हाथ रख देते या थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, तो मेरा सारा टेंशन दूर हो तो जाता अभी है। हम आ गए होटल ऋतुराज, और ग्वालियर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, और यहाँ से ये गए हैं पनीर टिक्का पैक कराने के लिए। पतिदेव हमारे देखो जा रहे हैं, मेरा बच्चा ये रहा, इतना देरा हो चुका है। तो पहले था हमारा कि हम गाड़ी में ही पैक करवा के खाएंगे, बट फिर हमने डिसाइड किया, लड्डू भी जा गया था, कि चलो अंदर ही चलते हैं। तो अभी हम आ गए अंदर, थोड़ा मुझे क्या अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो अभी थोड़ा चम्मच इसने स्पून डाल दी पीछे चम्मच, तो अभी मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। नहीं गिरेगा भैया, मैं ध्यान दे रही हूँ। क्यों लड्डू, लड्डू हेलो हेलो बोलो, हेलो लड्डू, हाय हेलो, कहाँ जाना है आपको। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग ना चलते हैं, बैठ के ही खाएंगे वहाँ पर, पहले ये पैक करवा। क्यों, ऑर्डर दे दिया था तुमने पैक का? हाँ, पेमेंट भी कर दिया। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, हमने थोड़ा बहुत और ऑर्डर किया है लक्ष्य के लिए। खाना मुझे खाना नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं है मेरा, अजीब सा मन हो रहा है, घर से आते हैं तो अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन मैंने इनसे बोला कि फर्स्ट टाइम मुझे ये खाली खाली लग रहा है, ज़्यादा कुछ लोग आए नहीं है अभी, क्योंकि शायद टाइमिंग नहीं हुई। छः टाइम क्या हो गया, 6 बजे। अपनी घड़ी में देखो काय के लिए पहनी है घड़ी। अरे तुमने ढक्कन ही नहीं लगाया था, वाओ वेरी गुड। तो मेरा तो अजीब सा दिल हो रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी ना नींद पूरी नहीं हुई है, और नींद पूरी नहीं होती तो वैसे भी अच्छा फील नहीं होता है, और लड्डू की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से हमने ना खाना यहाँ पर नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि भूख भी नहीं थी। तो हमने यहाँ पर स्टार्टर ऑर्डर करे थे, और सच में बहुत टेस्टी थे। यहाँ पर प्राइस थोड़ी हाई है, और लेकिन टेस्ट अच्छा है, लेकिन गुड़गांव के बराबर तो नहीं है सच बताऊं तो, पर यहाँ के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ग्वालियर में हमने जितनी भी जगह खाया है ना, वहाँ से हमें यहाँ का अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि मुझे लड्डू को भी खिलाना पिलाना है, वो कुछ भी नहीं खा रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है ना, दांतों में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए हो सकता है डॉक्टर भी चेंज करना पड़े। तो चलते हैं घर, घर जाके लगना है काम पर, सारी चीज़ें। एक दिन के लिए भी जाते हैं ना तो बहुत चीज़ें फैल जाती हैं, लेके आओ लेके जाओ ये सारी चीज़ें। बच्चों के साथ तो थोड़ा थोड़ा करके सामान हो ही जाता है, एक रात के लिए गई थी फिर भी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।